अगेन वेलकम टू एग्री क्रेकर्स। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग यूनिट 1 में जो पढ़े थे उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। यूनिट 1 को क्या था, इंट्रोडक्शन टू स्टेटिस्टिक्स था। और यूनिट 1 के पार्ट 2 में पढ़ना हम लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, इस यूनिट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है सिलेबस में। तो हम लोग को यहाँ पे और क्या पढ़ना है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अब डेटा। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग का दिया हुआ है क्या पढ़ना है, लाइन डायग्राम। दूसरा है हिस्टोग्राम। तीसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। चौथा है फ्रीक्वेंसी कर्व। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है बार डायग्राम। और दिया है पाई चार्ट या पाई डायग्राम। इसमें सबको हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे कि ये सब कैसे बनते हैं। ठीक है, हम लोग को ये सब को एक एक करके देखने से पहले ये जानना होगा कि किस चीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किस चीज़ का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मतलब ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो सकता, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ही क्यों होता है, किस डेटा का हम लोग को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना पड़ जाता है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उस टाइप के डेटा का होता है जो डेटा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताता हूँ, हम लोग कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बताते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई एक वेरिएबल होता है जैसे कि एक्स, वो कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ का पॉपुलेशन है या किसी चीज़ का वेजेस है या कुछ भी डेटा दिया हुआ है, कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा हो। ठीक है, इस तरीके का टेबल दिया रहेगा एक्स और एफ। पहले मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ा चुका हूँ, ये उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। ये जैसे 5 बार आया है, 2 आया है, 3 टाइम्स 3 आया है, 4 टाइम्स। तो इसके लिए हम लोग को ग्राफ में बताना पड़ेगा, एक ठो एक्स एक्सिस में रहेगा और एक ठो वाई एक्सिस में रहेगा। तो ये जो एक्स का डेटा है वो इसमें रहेगा और वो कितने कितने बार आ रहा है उसको हम लोग बताएंगे, उसका फ्रिक्वेंसी बताएंगे वाई एक्सिस में। तो ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा चीज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की जरूरत कब पड़ता है, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की जरूरत तब पड़ता है जब डेटा जो होता है वो किसी प्लेस का नाम रहता है या टाइम रहता है। ठीक है, और वो डिपेंडेंट नहीं रहता। जैसे कि कोई डेटा दे दिया, जैसे कि प्लेसेस है, ठीक है, मुंबई, चेन्नई, ये सब चीज़ का हम लोग को पॉपुलेशन को शो करना है। ठीक है, तो हम लोग बना देंगे इसका बार डायग्राम। इसका पॉपुलेशन है, चेन्नई का पॉपुलेशन इतना है, ऐसा करके हम लोग बनाएंगे तो वो बार डायग्राम हो गया। वैसे ही पाई डायग्राम बनाते हैं, इस तरीके से एक डायग्राम बनता है। उसमें अलग अलग जैसे सब्जेक्ट का कर दिए, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, तो वो सर्कल में एक सर्कल, पाई डायग्राम में हम लोग एक सर्कल को डिवाइड करते हैं, आगे डिटेल से बताऊंगा।
मैं पहले बता रहा हूँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक ही चीज़ को बता रहा है, एक ही वेरिएबल को बता रहा है, ठीक है, और ये बताता है टू वेरिएबल को। इसको नोट डाउन कर लेना। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से पढ़ेंगे एक एक करके। अब एक एक करके पढ़ने से पहले मैं तुम लोग को बताऊंगा डेटा का। डेटा टू टाइप के होते हैं। वो डेटा इसलिए बताना पड़ रहा है यहाँ पे क्योंकि ये भी दो तरीके से है। पहला एक डिस्क्रीट सीरीज डेटा के लिए है, और दूसरा है कंटिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है इसको एक बार समझ लो। ये टर्म ऐसे टर्म है जो स्टेटिस्टिक्स में कई बार, एक नहीं कई बार आएंगे, हर जगह फेस करना पड़ेगा। तो हर जगह बताने के बजाय एक ही बार में समझ लो डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है। डिस्क्रीट सीरीज में कोई भी चीज़, जैसे एक्स कोई वेरिएबल है, ठीक है, और उसका कोई फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, तो इसमें वो जो डेटा है वो अकेले अकेले होता है, जैसे कि टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, और इसके करेस्पॉन्डिंग में जैसे कि इसका फ्रिक्वेंसी है फाइव टू थ्री वन, ये डिस्क्रीट सीरीज है। इसमें एक्स है वो अकेला अकेला है, भले ही 5 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, लेकिन मैं ऐसे करके तो नहीं बताया हूँ कि ये 5 to 10 टू को फिक्स बता रहा हूँ। 5 to 10 है, 10 to 20 है, 10 to 15 है, 15 to 20 है, 20 to 25 है, इस तरीके से नहीं बता रहा हूँ। मैं एक्स को एग्जैक्टली बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, और इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल वाला कंटिन्यूअस सीरीज। समझ में आया डिस्क्रीट सीरीज अकेले अकेले होता है, कंटिन्यूअस सीरीज किस में होता है, क्लास इंटरवल में होता है। इस तरीके से इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना होता है। को नोट डाउन कर लेना। ये फिर ऑफ हो गया। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें एक ही चीज बनता है लाइन डायग्राम, और कंटिन्यूअस सीरीज में बनता है हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, और फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। अब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज का लाइन डायग्राम पढ़ते हैं। लाइन डायग्राम मतलब लाइन लाइन से शो करते हैं हम लोग, एक बार ग्राफ या पॉलीगॉन की तरह से नहीं बनाते हैं, लाइन लाइन की तरह शो करते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। स्टेटिस्टिक्स में हर चीज़ को एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो वो और अच्छे से क्लियर होगा। थ्योरी थ्योरी पढ़ने के बजाय एग्जाम्पल से पढ़ना ज़्यादा सही होगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है लाइन डायग्राम के लिए। क्वेश्चन में दिया है मार्क्स ऑब्टेंड
क्वेश्चन भी लिख लेना और उसका आंसर भी लिखना। और देख दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ये है एक्स, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन खुद से अंडरस्टूड होना चाहिए। जैसे फ्रीक्वेंसी है तो वो नंबर में होता है और मार्क्स ऑब्टेंड है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहे हैं इस तरीके से डेटा रहेगा वो फ्रीक्वेंसी होता है। इस तरीके से टेबल बना हुआ है, इसमें डेटा दिया हुआ है 10, 20, 30 डिस्क्रीट सीरीज का टेबल दिया हुआ है। टेबल देखने से समझ में आ रहा है कि डिस्क्रीट सीरीज का है। अब इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है 9, 14, 25, 35, 21, 15, 9। अब देखो लाइन डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो ग्राफ बनाना जरूरी है। ग्राफ कैसे होता है? एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे है ओरिजिन, ठीक है। एक्स एक्सिस में हम लोग एक्स को प्लॉट करेंगे। यहाँ पे जगह के लिए कंजूसी मत करना, क्या चीज़ है उसको भी लिख देना। मार्क्स ऑब्टेंड एक्स, इधर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्या है? एफ है। अब हम लोग इसको एक्स में प्लॉट करेंगे। प्लॉट नहीं मतलब पहले मार्किंग करेंगे। 10 कितने कितने का गैप है? 10 10 का। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर है 35 और सबसे कम 9 9 है। क्या हम लोग करें कि ये सब चीज़ कवर हो जाने चाहिए? आप लोग चाहो तो 1 से लेकर 35 तक लिख दोगे लेकिन कहाँ, यहाँ पे आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। हम लोग यहाँ पे 5 5 का गैप लेते हैं। ऐसे हिसाब लगाना कि कितना कितना का गैप लेंगे तो वो चीज़ कवर हो जाएगा। अब इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। 10 के करस्पॉन्डिंग है 9 जो 10 के नीचे आएगा ये वाले, फिर 20 के करस्पॉन्डिंग है 14 वो 15 के नीचे आएगा, फिर 30 के करस्पॉन्डिंग में है 25, यहाँ पर 25 लिखना होगा। फिर 40 के करस्पॉन्डिंग है 35, फिर 50 के करस्पॉन्डिंग है 21, 20 के कुछ ऊपर में रहेगा, फिर 60 के करस्पॉन्डिंग है 15, फिर 70 के करस्पॉन्डिंग है 9। ठीक है। मैं अब ये लाइन डायग्राम है, लाइन डायग्राम मतलब एक लाइन खींच देंगे एक्स एक्सिस से मिला के। ये होगा हमारा लाइन डायग्राम। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूस सीरीज डेटा के लिए। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोग्राम। सबको एग्जांपल के साथ पढ़ते जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम इस तरीके से बना होता है
जिसमें रेक्टेंगल्स होते हैं, एक कंटिन्यूस सीरीज के लिए होता है, बताया था। यहाँ पे जैसे कि दिया रहेगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to, चलो 40 तक दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से रेक्टेंगल्स बनाएंगे हम लोग, जो फ्रिक्वेंसी है उसको इस तरीके से लाइन खींचेंगे और फिर हम लोग उस रीजन को पूरा बाउंड कर देंगे। वैसे एक एक करके बनाते जाएंगे तो ये बन जाता है हिस्टोग्राम, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के साथ हिस्टोग्राम को देखेंगे। एग्जाम्पल है, जिसमें दिए हैं मार्क्स ऑब्टेंड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये एक्स है, ये एफ है, ठीक है। इसमें दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80। ये टेबल बना लो, एक क्वेश्चन है। अब इसमें दिया है 10, 18, 24, 35, 38, 20, 15, 8। अब इसको हम लोग को हिस्टोग्राम बनाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। पहले क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये इसे क्या क्या है उसको लिख लेना, यहाँ पे मैं खाली लिख दे रहा हूँ। एक्स है, ये एफ है। यहाँ पे 10, 20 कहाँ तक है, 80 तक बनाना है। 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब हम लोग को इधर प्लॉट करने हैं। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डेटा है 38, 40 तक ले लेंगे। गैप हम लोग रखते हैं 5-5 का, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। अब हम लोग को क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। सिर्फ प्लॉट नहीं करना है, रेक्टेंगल्स बनाते जाना है। 0 to 10 में कहाँ पे है, 10 के पास है, तो इसको ऐसे करके कवर करेंगे। फिर 10 to 20 में है, 18 के पास, 20 से कुछ कम रहेगा, ये यहाँ पे क्लोज होगा। फिर 20 to 30, 24 के पास, मतलब 25 से कुछ कम। फिर 30 to 40, 35 के पास है। प्रॉपर आप लोग कॉपी में बनाते हो तो इसको स्केल के साथ बनाना, फ्री हैंड मत बनाना। 40 to 50 में है, 38 के पास। 50 to 60 में है, 20 के पास। 60 to 70 है, 15। 70 to 18 है, 70 to 80 है, 8। मतलब ये 5 और 10 के बीच में। अब क्या करेंगे, बन गया हिस्टोग्राम। अब इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, वो भी इसी एग्जांपल में हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में अगर पूछता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए, आप पहले हिस्टोग्राम बना लेना, उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिस्टोग्राम बनाने के बाद ही बनता है।
फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम बनाए फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम के ऊपर ही फ्रीक्वेंसी कर्व ही बनता है, लेकिन दोनों का बनाने का तरीका अलग अलग होता है। अब पहले हिस्टोग्राम बनाना, उसके बाद एक और ऐसी डायग्राम बनाना जहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लिखना। मैं इसमें बता रहा हूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसके बाद फ्रीक्वेंसी कर्व जब बनाओगे तो भी एक और हिस्टोग्राम बनाना और उसी के ऊपर फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे। तो देखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसको एक्सटेंड करना पड़ता है। ये 0 है, ये -10 है, जितना इंटरवल रहेगा, ये 10-10 का गैप है तो 10 पीछे एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पर 80 के आगे 10 एक्सटेंड करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होता है, जो मिड पॉइंट्स होता है हिस्टोग्राम बनाते हैं उसका, उसको हम लोग को ज्वाइन करना होता है स्केल से ताकि एक पॉलीगॉन बन जाए। ये जस्ट एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होगा, स्केल से आप बनाना अपने कॉपी में, ऐसे ही ये ज्वाइन होगा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना। पॉलीगॉन बना, नहीं बना है पॉलीगॉन। क्यों नहीं बना है पॉलीगॉन, क्योंकि पॉलीगॉन हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। एक पॉलीगॉन होता है वो एक क्लोज्ड फिगर होता है, बंद आकृति होता है। ये बंद है पॉलीगॉन, ये तो दो तरीके, इधर से खुला हुआ है। इसको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को खींचना पड़ेगा। तो कहाँ पर से खींचेंगे, यहाँ पर से, कुछ बुक्स में यहीं से दिया रहता है, वो गलत दिया रहता है। एग्जैक्ट बता रहा हूँ मैं, ऑथेंटिक कंटेंट के साथ बता रहा हूँ। इसको हम लोग को क्या होता है, जो यहाँ पर कमिट पॉइंट होता है ना, वैसी ये जिसका 0 है फ्रिक्वेंसी, उसका भी मिड पॉइंट होता है -10 से 0 के बीच में, मतलब -5 के पास। अब इधर 80 to 90, मतलब 85 के पास, इसका भी एक मिड पॉइंट होता है। हम लोग को इसको मैच करना होता है यहाँ पर से। अब बन गया हम लोग का पॉलीगॉन। ठीक है, इसको नोट डन करो। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। मैं इसी में बताऊंगा, आप एक और हिस्टोग्राम बना लो सेम टू सेम, उसमें आप बनाओगे फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में बस इतना अंतर होता है, इसमें जो हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाए हुए हैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है, एक फ्री हैंड कर्व बनाएंगे। लाइन और कर्व में क्या अंतर है, लाइन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए इस तरीके से, और कर्व कर्व इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं कर्व। ठीक है, तो इसको हम लोग मिड पॉइंट है उसको हम लोग फ्री हैंड जोड़ देंगे, कोई स्केल वगैरह नहीं, ऐसे करके कर्व के साथ जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लो एक सेपरेट हिस्टोग्राम बना के। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, पहले देखते हैं बार डायग्राम। बार डायग्राम क्या होता है, एग्जांपल के साथ समझेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। बार डायग्राम भी ना दो प्रकार का होता है, एक सिंपल होता है और एक मल्टीपल होता है।
या बार डायग्राम में मैं क्या बताया था, कोई एक ही वेरिएबल होगा, ठीक है, लेकिन एक वेरिएबल के दो करेक्टर हो सकते हैं, तीन करेक्टर हो सकते हैं, कई करेक्टर हो सकते हैं। तो सिंपल बार डायग्राम में एक ही करेक्टर होता है, मल्टीपल में कई सारे करेक्टर होते हैं। मल्टीपल में दो करेक्टर वाले को बोलेंगे डबल बार, तीन वाले को ट्रिपल बार, ट्रिपल के आगे को मल्टीपल बोलते हैं, क्वाड्रपल नहीं होता है, मल्टीपल ही होता है। तो सिंपल बार डायग्राम ऐसे बनता है, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। किसी सिटी का डेथ रेट दिया हुआ है, मुंबई, नागपुर, रांची, कोलकाता, ये चार सिटी का डेथ रेट दिया हुआ है 274, 323, 94, 244। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग बार डायग्राम बनाएंगे। इसको हम लोग ग्राफ नहीं बोल सकते क्योंकि इधर का ग्राफ नहीं रहता, इसमें हम लोग कितना है उसको डिस्टेंस को भले ही मेजर करेंगे वाई एक्सिस में, लेकिन ये वाई एक्सिस भी बोलने का मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक बार डायग्राम है, ये सिर्फ डिस्टेंस बता रहा है, एक्स और वाई एक्सिस नहीं बता रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेम लिखाएगा मुंबई, नागपुर, रांची, कोलकाता, इसका दिया है। और इधर हम लोग डिस्टेंस को ले लेते हैं 100-100 का, 100 0 है, 200, 300, 400, ठीक है। मुंबई का क्या दिया है 274, मतलब या कुछ इधर। तो इस तरीके से हम लोग को बार बना देना है, इसमें ये डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, नागपुर 323, लेकिन यूनिफॉर्म बनाना है हम लोग को। अगर इसको इतना मोटा लेते हैं तो इसको भी इतना मोटा लेना पड़ेगा। रांची ये ऊपर लेकिन बराबर होना चाहिए 374 के आसपास, फिर रांची का 9400 से कम यहाँ पे, फिर कोलकाता का 244, मतलब ये बनेगा यहाँ पे। ये सिंपल बार डायग्राम है। अब इसी में मैं मल्टीपल बताता हूँ, एक मल्टीपल के लिए अलग से बनाना, इसी को फिर बनाना। जैसे कि यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है, बर्थ रेट दिया हुआ है, मल्टीपल का ये होगा डबल जिसमें दो करेक्टर है, डेथ रेट दिया है और बर्थ रेट दिया है। मान के चले यहाँ बर्थ रेट है 200, यहाँ पे 500, फाइव नहीं इतना ज़्यादा नहीं, यहाँ पे मान के चलो दिया है 400, रांची का दिया है मान के चलो 95, कोलकाता का मान के चलो दिया है 260, ठीक है। अब हम लोग को मल्टीपल बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, बार में यहीं पे ही बना देंगे, इसी में ही 200 है तो 200 के आसपास, लेकिन ये इसके साथ अटैच्ड रहेगा। इसको हम लोग जैसे कि इसको हम लोग ऐसे सेट दे दिए, ये बता रहे बर्थ रेट, ये बता रहा है डेथ रेट, नागपुर का 400 तो यहाँ पे उसका डेथ रेट है, फिर रांची का 95, फिर इसका 260। तो यहाँ पे हम लोग इस ऐसे मार्क भी कर देंगे, सिंबल दे देंगे, ये क्या है बर्थ रेट और ये क्या शो कर रहा है डेथ रेट। इस तरीके से हम लोग समझा देंगे, ठीक है, ऐसे बनता है बार डायग्राम। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाई डायग्राम। पाई डायग्राम को ही बोलते हैं पाई चार्ट या सर्कुलर डायग्राम।
वर्ड कहाँ पे सुने हो? जब हम लोग सर्कल पढ़ते हैं तो पाई वर्ड यूज़ होता है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। इसकी ज़रूरत नहीं। खैर, पाई एक सर्कल का पैरामीटर है, ठीक है। एक सर्कल डिवाइड होता है 360 डिग्री में, ये होता है 360 डिग्री कंप्लीट। तो हम लोग जो हमारे जो डेटा होता है उसको हम लोग को डिवाइड करना है किस फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में। मतलब वो सर्कल का कितना टुकड़ा है जो हमारा डेटा है वो। तो एक एग्जांपल के साथ देखेंगे इसको। किसी लड़के का मार्क्स दिया है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, सब्जेक्ट एंड मार्क्स। एक टेबल दिया है सब्जेक्ट और मार्क्स का, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स और हिंदी, ठीक है। और मार्क्स दिया है 60, 70, 80, 90, 60, ठीक है। अब हम इन लोग को इसको पाई डायग्राम बनाना है। तो इसके जब हम लोग टेबल बनाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, जब हम लोग आंसर लिखते हैं तो एक टेबल टेबल में एक कॉलम एक्सटेंड हो जाता है इस तरीके से, जिसमें हम लोग लिखते हैं एंगल। एक छोटा सा कैलकुलेशन होता है, उसके बाद एंगल लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका टोटल कर देते हैं। इसका टोटल होगा 360 मार्क्स होगा, ऐसे टोटल लिख देंगे, एक रो ऐड कर देंगे यहाँ पे 360, ठीक है। अब इसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एंगल के लिए। तो जो टोटल होता है 360, जितना मार्क्स है और टोटल जितना मार्क्स है उससे डिवाइड करेंगे। और 360 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 100 नहीं होगा क्योंकि हम लोग 100 को डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को एक सर्कल को डिवाइड करना है, 360 डिग्री को डिवाइड करना है। तो आ जाएगी 60 डिग्री, 70/360 इंटू 60 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। ये एग्ज़ाम बहुत इजी एग्ज़ाम्पल है क्योंकि यहाँ पे टोटल ही 360 है। अगर ये कोई और रहता तो यहाँ पे हम लोग का एंगल चेंज होता, यहाँ पे कट जा रहा है इसलिए डिग्री उतना ही आ रहा है। अब इसका हम लोग पाई डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले एक सर्कल बना देंगे, यहाँ से करना है स्टार्ट करना। सबसे पहले क्या दिया है, साइंस। साइंस का कितना एंगल है, 60 डिग्री। इसको प्रोटेक्टर से नाप के लिखना 60 डिग्री साइंस। फिर उसके बाद यहाँ से मेज़र करेंगे कहाँ, 70 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री। आप लोग मेज़र कर करके लिखना अपने कॉपी में, ये क्या है इंग्लिश। फिर है सोशल साइंस 80 डिग्री, इसमें है सोशल साइंस। फिर है मैथ्स 90 डिग्री, 90 डिग्री को ऐसे लिखते हैं। फिर है हिंदी 60 डिग्री। इस तरीके से बन जाएगा। आप अलग अलग सेट कर सकते हो अलग अलग को, और यहाँ पे बता देना कि क्या है करके, इसको अगर नहीं लिखोगे तो।
ठीक है, इस तरीके से बनता है पाई डायग्राम। अब नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा यूनिट 2। थैंक यू।